हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे अपडेट प्रेजेंटेड बाय जय गणा खान। तो फ्रेंड्स, फाइनली प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स अंडर सेशन 2021 टू 2022 के आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है और साथ में आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो यहां पे ऑफिशियली AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर हो चुकी है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है फ्रेंड्स, वो अब यहां पे इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके थोड़े ही दिन के लिए आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है वो यहाँ पे AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्रेंड्स एक्टिवेट रहेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी 12th पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे PCM में हो, चाहे आपका आर्ट्स में हो, चाहे आपका कॉमर्स में हो, तो कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट आपके जो फ्रेंड्स डाउट्स हैं वो हम इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, उनकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है फॉर एग्जांपल SC ST इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन RBA, वो यहां पे यूटिलाइज होगा या फिर नहीं होगा, और ओवरऑल आपकी कितनी इसके अंडर जो है स्कॉलरशिप वैकेंसीज रहेंगी, यानी कि टोटल 5000 रहती हैं उसमें के अंडर आपकी प्रोफेशनल कितनी रहेंगी, और साथ में मेडिकल के लिए कितनी रहेंगी, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए कितनी रहेंगी, और आपको अल्टीमेटली स्कॉलरशिप कितनी रहेगी, वो सारी डिटेल्स फ्रॉम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके अंडर जो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, AICTE की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट हो चुका है। हमने सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंडर आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। प्रीवियस ईयर में सेम प्रोसेस आपकी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की रहेगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इसके अंडर आपने ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहां पे इस पोर्टल में अपना रजिस्टर करना है। तो यहां पे वही स्टूडेंट्स रजिस्टर कर पाएंगे जिनकी डिटेल्स यहां पे जो AICTE के पास डेटाबेस है उसके साथ मैच करेंगे। तो यहां पे ध्यान दें कि आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल मैच करनी चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपके 12th सर्टिफिकेट में आपने मेंशनड की हैं। और यहां पे ध्यान दें कि केवल वही स्टूडेंट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने अपनी 12th जो है प्रीवियस ईयर पास कर रखी, यानी कि 2020 में या फिर 2021 इस ईयर पास कर रखी थी, यानी कि करंट ईयर वाले स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं पास की है और पिछले साल वाले स्टूडेंट्स ही इसके अंडर अप्लाई कर पाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स इसके अंडर एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप सेशन भी देख सकते हैं, केवल 2029 से 2020 यानी कि जो स्टूडेंट्स 2020 और 2021 में अपनी 12वीं पास की है केवल वही स्टूडेंट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है 6 सितंबर 2021 यानी कि अभी अभी इसका लिंक एक्टिवेट हुआ है, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंडर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, और साथ में आपको ये सेलेक्ट करने के लिए कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और उसके लिए पर्टिकुलरली कितनी स्कॉलरशिप रहेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बनवाने हैं, उसके बाद ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है सेकंड नंबर में, वो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो हम इसकी सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं या फिर लद्दाख से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपनी 12वीं पास कर रखी है, वो सभी स्टूडेंट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी फ्रेंड्स स्कॉलरशिप रहेगी वो आपकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 9 से 10 दिन ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी कम समय है, क्योंकि आपका जो समय है वो काफ़ी कम बच गया है, क्योंकि आपकी जो एडमिशन्स हैं वो आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए इन्होंने कम से कम टाइम में आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद आपको डायरेक्टली फ्रेंड्स इसी टाइम के अंडर अपनी ऑफिशियल जो आपकी फैसिलिटेशन सेंटर में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी करवानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वेरिफिकेशन कब से शुरू होगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सबसे पहले स्कॉलरशिप देख लें कि जो जर्नल डिग्री आपकी रहेगी BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो आपकी जर्नल डिग्री रहती है आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो स्कॉलरशिप रहेगी साल की यहाँ पे रहेगी अप टू 30,000 तक। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग वाले हैं BSc नर्सिंग BTech हो जाता है BE हो जाता है B Pharmacy या फिर होटल मैनेजमेंट या फिर आर्किटेक्चर, ये सारी आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डिग्रीज परसू करेंगे उनकी यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है 1.25 लाख रहेगी पूरे साल की। और जो स्टूडेंट्स मेडिकल BDS वाले हैं जिनके मेडिकल कोर्सेज रहेंगे उनकी यहाँ पे स्कॉलरशिप अप टू 3 लाख रुपीज़ तक यहाँ पे फ्रेंड्स रहेगी।
और यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपकी स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूशन का जो अकाउंट रहेगा उसमें डायरेक्टली जाएगी, और इसके अलावा आपको मेंटेनेंस अलाउंस जो है टोटल आपको 1 लाख रुपीज पूरे साल के दिए जाएंगे। पहले साल में आपको टोटल 9 इंस्टॉलमेंट्स के अंडर पैसे दिए जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट आपके 20,000 रुपीज़ की रहेगी और रिमेनिंग जो आपकी 8 इंस्टॉलमेंट्स है फ्रेंड्स वो आपकी 10,000 रुपीज़ की रहेगी। टोटल आपको 1 लाख रुपीज़ जो है मेंटेनेंस अलाउंस के अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में फ्रेंड्स दिया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपकी जब इसके अंडर आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आपकी 10 सितंबर 2021 के बाद फ्रेंड्स शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान दें कि रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स आपकी 15 सितंबर 2021 के बाद नहीं होगी, तो जल्दी से आप इसके अंडर रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट करोगे। लेकिन फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के यहाँ पे याद रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं वो हम यहाँ पे फ्रेंड्स से डिस्कस कर लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कैसे वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपकी वही डिटेल्स हैं जो हमने डिस्कस की, सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो आपकी टोटल 5,000 स्कॉलरशिप्स रहेंगी उसमें से यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो आपकी यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी वो आपकी यहाँ पे बीई बीटेक या फिर बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या फिर होटल मैनेजमेंट की आपकी जो कंप्लीट प्रोफेशनल डिग्रीज रहेंगी इसके लिए आपके सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगी स्कॉलरशिप की 2,830, जर्नल डिग्री के लिए 2,070 और यहाँ पे जो BDS MBBS के लिए यहाँ पे जो मेडिकल डिग्रीज रहेंगी उसके लिए केवल यहाँ पे 100 ही स्कॉलरशिप फ्रेंड्स रहेंगी। और रिमेनिंग जो फ्रेंड्स आपके डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग कंडक्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट आपके इंस्टॉलमेंट्स के अंडर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के अंडर, तो उसमें फ्रेंड्स आपकी जो वैकेंसीज बच जाती हैं वो आपकी कन्वर्ट की जाती हैं जिसमें ज़्यादा डिमांड हो, तो वो फिर आपके डिमांड ड्रिवन बेसिस पे जो है वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। सपोज अगर मेडिकल में 100 वैकेंसीज में से 80 बच जाती है तो फिर उनको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद ये हमने स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया फ्रेंड्स से डिस्कस हम कर चुके हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपने 12वीं पास की होनी चाहिए जेके बोस या फिर CBSE से, आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है और इनकम सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपका पर एनम यानी कि पूरे साल का फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट जो आपके सोर्सेज है फैमिली में इनकम के उन कंप्लीट सोर्सेज से आपकी इनकम पर एनम की होनी चाहिए और वो आपका कंप्लीट इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको बनवाना है इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स का RBA भी है वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ रिजर्व्ड सीटें रहेंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स घबराए नहीं, EWS, RBA, SC, ST सभी को यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगी जिन स्टूडेंट्स की रिजर्व्ड कैटेगरी है, लेकिन उसके लिए उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि उनको अपलोड करना पड़ेगा जब वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, 10th 12th के आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अगर आपका 12th का भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है या फिर अभी आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो आप यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन उसके लिए दी जाएगी। उसके बाद डिप्लोमा स्टूडेंट्स का अभी यहाँ पे ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कर रखा है क्योंकि उनको लेटरल एंट्री मिलती है बीटेक में, तो जब वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, अभी 12th वालों के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आप अपना जल्दी से जल्दी बनवा लें, और उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी के अंडर क्लेम करते हो तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल SC, ST या फिर RBA, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हो, तो भी आपको यहाँ पे फिर से रिलैक्सेशन रहेगी, दिव्यांग स्टूडेंट्स को उनके लिए सेपरेट यहाँ पे रिलैक्सेबल सीट्स रहेंगी, रिजर्व्ड सीट्स उनके लिए फ्रेंड्स रहेंगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 10 सितंबर 2021 के बाद शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लें, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी और डिफरेंट डिफरेंट आपके क्राइटेरियाज क्या रहेंगे वो हमने फ्रेंड्स कंप्लीट इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। तो जल्दी से आप इसके अंडर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको सेपरेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली फ्रेंड्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है इसके अंडर तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंडर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हर साल
साल हम ये जो आपकी स्कॉलरशिप है प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ये हम डिस्कस करते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंडर बेनिफिट्स लिया है जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उन्होंने की है और उनको अच्छी जो है अच्छे कॉलेज मिले हैं और बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उन्होंने इस कंटेंट का फ्रेंड्स किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन चीज़ों से काफ़ी अच्छे तरीके से समझोगे और जो आपके फेक कंटेंट अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स पे, मैं उम्मीद करूँगा कि आप उनसे अवॉइड रखें क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है काफ़ी क्लैरिटी के साथ डिस्कस की हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट रह जाती है आप डायरेक्टली मेल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, आप डायरेक्टली मेल पर भी फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं और जो भी आपको यहाँ पर फ्रेंड से डिटेल्स बताई दी जाएंगी वो सारी आपकी एक्सपीरियंस बेसिस पे फ्रेंड्स रहेंगी। फ्रेंड्स कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।